और इधर चरमपंथी संगठन हमास ने इसराइल पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद तनाव और ज्यादा वहां पर बढ़ गया है। जी हां, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शनिवार सुबह इसराइल की राजधानी तेल अवीव समेत 3 शहरों पर रॉकेट दागे गए और ये रॉकेट रिहायशी इमारतों पर गिरे हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत होने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आंकड़ा अब भी बढ़ सकता है। हमास ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने इसराइल पर 5,000 रॉकेट से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए इसराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, इसराइल की जो सेना है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसराइल की आर्मी ने अपने सैनिकों के लिए रेडीनेस फॉर वॉर का अलर्ट भी अब जारी कर दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युद्ध की घोषणा कर दी गई है। रॉकेट हमले में 5 नागरिकों की मौत अब तक हो चुकी है। साथ ही इसराइल में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, वहां पर लगातार सायरन सुनाई दे रहे हैं और इस वक्त वहां की स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है। ये बड़ी खबर है और जो तस्वीर सामने आई है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नुकसान भी हुआ है, अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। इसराइल पर ये जबरदस्त हमला, रॉकेट से हमला किया गया, 4 नागरिकों की मौत हो चुकी है। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। तो फिलिस्तीन आतंकवादियों की तरफ से इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त इसराइल पर हमला किया गया। दूसरी तस्वीर, हालांकि अभी आंकड़ा बढ़ चुका है, अब तक 5 नागरिकों की मौत हो चुकी है और फिलहाल वहां पर देखिए आसमान में सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई रॉकेट सुबह सुबह जो है वो दागे गए थे और उसके बाद लगातार पूरे शहर में सायरन की आवाज सुनाई दी गई और सरकार की तरफ से लगातार लोगों से इस बात की अपील की जा रही है कि लोग जो है वो घरों पर ही रहे। और इस हमले के बाद जो तनाव है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। पहले ही आपने इससे पहले कई खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी कि दोनों में जो विवाद की खबरें हैं वो समय समय पर आती रही हैं, लेकिन इसके बाद अब जवाबी हमला भी यहां पर किया गया है। इसराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमला किया है, यानी कि इसराइल भी अब बदला लेने के लिए पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। जब ये रॉकेट दागे गए, रॉकेट से हमला किया गया, उसके बाद आसमान में सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार दिखाई दिया, लोगों में अफरा तफरी मच गई, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा था। और इसमें खबर ये है कि 4 लोगों की जान चली गई है, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं, जानकारी ये भी है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये बड़ी खबर है, इसराइल का हमास पर अब जवाबी हमला भी दिखाई दिया है। देखिए इसराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमला किया है, गाजा पट्टी पर इसराइल ने कई रॉकेट दागे हैं, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर जवाबी हमला इसराइल की तरफ से किया गया और इसराइल ने पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि देखिए हम युद्ध के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से पहले बिना किसी तैयारी के ये कोशिश की गई फिलिस्तीन की तरफ से कि युद्ध की घोषणा की जाए, तो हम भी उसके लिए तैयार। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाजा पट्टी पर इसराइल ने जवाबी हमला किया है और साथ ही कई रॉकेट एक साथ इसराइल की तरफ से भी गाजा पट्टी पर दागे गए। और इससे पहले भी इसराइल की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अगर हमास की तरफ से ऐसी कोई भी हरकत की जाती है तो फिर अंजाम जो होगा वो भुगतने के लिए तैयार रहा जाए। और अब ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब 4 नागरिकों की इधर मौत होती है तो दूसरी तरफ अब मोर्चा संभाल लिया है। गाजा पट्टी पर हवाई हमला किया गया है, गाजा पट्टी पर इसराइल ने कई रॉकेट दागे हैं और जो तस्वीरें सामने आई है वो भी खौफ से भर देने वाली है। लेकिन ये तस्वीरें इस बात को भी बयां कर रही है कि जो पहले से वो युद्ध था, जो बहुत ज्यादा टेंशन दोनों में थी, वो अब और ज्यादा इस हमले के बाद बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। तो देखिए इसराइल और फिलिस्तीन का ये जो संघर्ष है, ये जो दुश्मनी है, वो आज से नहीं, 1947 के बाद से ही लगातार ये दुश्मनी जो है वो बढ़ती गई है। सबसे पहली परेशानी जो है वो एक गाजा पट्टी को लेकर और दूसरी परेशानी जूस राज्य को लेकर, जिसको लेकर ये संघर्ष 1947 के बाद से लगातार चलता आ रहा है इसराइल और दूसरे अरब देशों के बीच। और इसी बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब ये संघर्ष युद्ध में परिवर्तित होता हुआ, जिस तरीके से फिलिस्तीन ने सुबह सुबह इसराइल पर ये हमला किया है, जिसके बाद इसराइल की तरफ से साफ तौर पर युद्ध की घोषणा की गई। इसराइल ने अपने सभी लोगों को ये कहा, ये आप ये तस्वीर देखें, शहरों के बीचों बीच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हालात किस तरीके के तनावपूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि जब रॉकेट से हमला किया गया किसी को इस बात का आइडिया नहीं था कि आखिर इस तरीके से हमला जो है हमास की तरफ से किया जा सकता है, जिसके बाद आसमान में सिर्फ और सिर्फ काला धुआं नजर आया। और अब एक बार फिर से इसराइल ने गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 5,000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे और ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है जो हमास की तरफ से किया गया है। लेकिन उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इसराइल ने भी
कई रॉकेट यहाँ पर तबाह कर दिए हैं। ये तस्वीरें उसको बयां करते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये बहुत खौफनाक तस्वीरें। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें काला धुआं दिखाई दे रहा होगा। ये जवाबी कार्रवाई का है जिसमें जब चार लोगों की मौत हो जाती है तो उसके बाद आप देखिए कि कैसे युद्ध यहाँ से छिड़ गया है। पांच लोगों की मौत, ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों से बाहर ना निकला जाए, अपने घरों में ही रहा जाए, क्योंकि अब ये तस्वीरें बयां करती हैं कि वहां पर युद्ध छिड़ चुका है। पहले ही आप देखिए पूरी दुनिया, जब रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो उससे पूरी दुनिया के कई मुल्कों पर असर पड़ा, लेकिन अब ये विवाद भी अगर बढ़ता चला जाएगा, युद्ध की यहां से अगर ये कहा जाए कि शुरुआत हो गई है, हालांकि जो परेशानी है वो दोनों में बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो किसी के भी लिए अब अच्छा नहीं होने वाला। और देखिए, जब इस तरीके के युद्ध होते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी देशों पर भी इसके सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है। अरब देशों की खास तौर पर बात करें तो वहां से तेल की बात करें, गैस की बात करें, तो तमाम देशों को जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। अब ऐसे में समझिए कि फिलिस्तीन और इसराइल जो युद्ध के पैमाने पर खड़े हो चुके हैं, अगर युद्ध की शुरुआत की जाती है, क्योंकि इसराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से हमास ने हमला किया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति, क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहला अपडेट ये है कि इजराइल की सरकार ने आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स करके कॉम्बैट ऑपरेशन की, मतलब जवाबी कार्रवाई, जवाबी अभियान की शुरुआत हमास और हिजबुल्ला के जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल सरकार ने फैसला किया कि आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स के नाम से एक ऑपरेशन चलाया जाए इनके खिलाफ। तो युद्ध की शुरुआत तो हो गई है, स्टेट ऑफ वॉर की घोषणा पहले ही इसराइल सरकार की तरफ से कर दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले एक बैठक की शुरुआत भी हुई थी, नेतन्याहू और तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं वहां के शासन में, वो उन लोगों की बैठक हुई और ये तो तय हो गया कि अब दोनों पक्षों के बीच में युद्ध होगा, क्योंकि हमास की तरफ से एक ऑपरेशन का ऐलान पहले किया गया है इसराइल के खिलाफ। तेल अबीब हो, दूसरे शहरों, वहां लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन गाजा में अभी जो स्थिति है, गाजा की तरफ से जो हमले किए गए हैं, स्ट्राइक किया गया है मिसाइल से, वो तस्वीरें हमारे टीवी चैनल पे लगातार लोग देख रहे होंगे। अब या आपको ये भी बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि क्या हमास की तरफ से कुछ जमीनी तौर पे भी आतंकवादी घुसे हैं, तो बिल्कुल घुसे हैं। भारत में जो इसराइल के राजदूत हैं उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि कुछ लोग सीमा बॉर्डर से भी घुसे हैं और वहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस और लगातार कॉम्बैट इसराइल की तरफ से भी शुरू हो गया है, तो कह सकते हैं कि यूक्रेन से जो पूरा का पूरा शिफ्ट था अंतर्राष्ट्रीय मंच का, कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक दुनिया है उनकी नजर अब इसराइल और गाजा पे दोबारा से चली गई है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू आपको बता दूं, बिल्कुल नीरज, और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहले ही पूरी दुनिया रशिया यूक्रेन युद्ध में देख रही है कि आखिर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अगर अब ये दोनों देश युद्ध के पैमाने पर पहुंच चुके हैं, युद्ध होता है तो ऐसे में बाकी देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा। नीरज, आप नजर बना के रखेगा, फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए, इसराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कई बार समझौते हुए, लेकिन निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। अब एक बार फिर से दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। आपको समझाते हैं कि आखिर ये मामला कितना पुराना है। आप समझिए, खाड़ी देश के इस इलाके में ये संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलान हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद बना हुआ है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलम पर दावा जताता है, वहीं इसराइल यरूशलम से अपना दावा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। गाजा पट्टी इसराइल और मिस्र के बीच में है, यहाँ पर फिलहाल चरमपंथी संगठन हमास का कब्जा है जिसकी तरफ से हमला किया गया, और ये इसराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 का वो वक्त याद कीजिए जिस वक्त इसराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था। साथ ही साल 2007 की बात करें तो इसराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से क्या दावा किया गया? फिलिस्तीन ने कहा कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो।